हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक साइंस इजी। तो अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको नई नई वीडियोस की अपडेट मिलते रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज़ द लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो ये तो लॉज ऑफ मोशन एंड क्या गति के सिद्धांत, गति के नियम, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो इसके लिए पहले तो हमें थोड़ा रिकॉल करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हमें रिकॉल करना है, कैन यू टेल, सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल कैन यू सेंस मोशन एंड हाउ विल यू एक्सप्लेन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अ मोशन। ओके, तो लॉज ऑफ मोशन के बारे में जानने के लिए हमें तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय मोशन। तो मोशन यानी क्या, ये जानने के लिए हम पहले देखेंगे कि सम एग्जांपल्स, द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड। ओके, तो पहला जो एग्जांपल है वो है फ्लाइट ऑफ अ बर्ड यानी उड़ता हुआ पंछी। देन सेकंड है स्टेशनरी ट्रेन यानी ऐसी ट्रेन जो स्टेशन पे रुकी हुई है। देन थर्ड लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर यानी पेड़ के गिरते हुए पत्ते। ओके, जो पेड़ से नीचे गिर रहे हैं। देन अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, तो स्टोन जो कहाँ पे रखा है, हिल के ऊपर रखा है या फिर वो हिल के ऊपर है ऑलरेडी। तो इन चारों में से कौन से एग्जांपल में आपको मोशन यानी दिखाई देती है, तो कौन से एग्जांपल में मोशन है उस ऑब्जेक्ट की। जैसे पहला एग्जांपल है फ्लाइट ऑफ अ बर्ड। ओके, क्योंकि वो पंछी उड़ रहा है, इसका मतलब उसकी मूवमेंट हो रही है, वो अपनी जगह चेंज कर रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ इन अ मोशन। देन स्टेशनरी ट्रेन है क्या, नहीं, क्योंकि वो जो ट्रेन है वो अपनी जगह पे खड़ी है, दैट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स प्लेस, सो दैट इज़ नॉट इन अ मोशन। ओके, तो ये एग्जांपल हमारा मोशन का नहीं है। देन थर्ड एग्जांपल लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, तो जो पेड़ के पत्ते वो नीचे गिरते हैं हवा के थ्रू। ओके, तो पेड़ के पत्ते नीचे गिर रहे इसका मतलब वो मोशन में है, उसकी मूवमेंट हो रही है ना। सो दिस इज़ द एग्जांपल इन विच मोशन कैन बी सीन। देन फोर्थ एग्जाम्पल अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, तो जो पत्थर जो पर्वत पे है या फिर जो हिल पे है वो इधर उधर हिल रहा है क्या, नहीं, वो स्टोन एक जगह पे रखा हुआ है। ओके, तो उसकी मूवमेंट हो रही है क्या, नहीं, सो दैट इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ अ मोशन। तो आपका समझ में आया अभी कौन से दो एग्जाम्पल में मोशन है दिखाई दे रही है, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, देन वी सी सेवरल ऑब्जेक्ट्स इन एवरी डे। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है जिसको हम दिन ब दिन देखते हैं, और इनमें से कुछ कुछ ऑब्जेक्ट की यानी कुछ कुछ ऑब्जेक्ट वो मोशन में होते हैं तो कुछ कुछ ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होते, या फिर ऐसे भी कुछ कुछ ऑब्जेक्ट है, ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मोशन हमें नहीं दिखाई देती है। तो कौन किसकी मोशन हमें दिखाई नहीं देती है, जैसे हवा। ओके, तो हवा की जो मोशन है वो हमें दिखाई देती है क्या, नहीं, फिर भी वो उसकी मूवमेंट हो रही है, इधर से उधर वो अपनी जगह चेंज करती जा रही है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल है जिसमें हमें मोशन नहीं दिखाई देती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी आप यानी एक लिस्ट भी बना सकते हो कि जिस ऑब्जेक्ट की मोशन हो रही है और जिस ऑब्जेक्ट की मोशन नहीं हो रही है, ऐसे ही हमारे घर के ही कुछ एग्जाम्पल्स, उसकी आप लिस्ट बना सकते हो। देन थिंक अबाउट इट, तो हमें क्या सोचना है, तो इसमें पहला एग्जांपल है कि यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस। ओके, तो आप बस में जा रहे हो, एंड इज़ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन अ मोशन, तो जैसे आप बस में जा रहे हो तो आपके बाजू में जो पर्सन बैठा है या फिर आप जो बस में बैठे हो, आप दोनों मोशन में हो क्या, या आप कैसे पता लगाओगे। ठीक है, बस तो ट्रैवल कर रही है, बस तो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, लेकिन आपकी मोशन हो रही है क्या, आप मोशन में हो क्या, तो इसका आंसर क्या है, नहीं, बिकॉज आप एक ही जगह पे बैठे हो, आपकी मोशन हो रही है क्या, नहीं, आप सिर्फ वहीं पे मूवमेंट कर रहे हो, लेकिन आपने अपनी जगह चेंज की क्या, नहीं, आप एक ही सीट पे बैठे हुए हो, इसका मतलब आप दोनों भी मोशन में नहीं हो, बस मोशन में है बट आप दोनों मोशन में नहीं हो। नेक्स्ट, व्हाट डू यू टेक इनटू कंसीडरेशन टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट, तो ऑब्जेक्ट ये मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या कंसीडर यानी कैसे कंसीडर करोगे कि ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, कैसे कंसीडर करोगे। अगर ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदलता है
तो आप कंसीडर करोगे कि वो मोशन में है ना। ओके, या फिर उसकी जो मूवमेंट हो रही है तो आप कंसीडर करोगे कि वो मोशन में है। अगर उसकी मूवमेंट ही नहीं हो रही तो आप कैसे कंसीडर करोगे। ओके, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल देखा था, फोर्थ वाला, जो स्टोन है वो हिल पे रखा हुआ है लेकिन उसकी मूवमेंट हो रही है क्या? नहीं। तो इस प्रकार से हम कंसीडर कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है और कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो कैसे कंसीडर करेंगे? विथ हिज मूवमेंट एंड विथ हिज चेंजिंग प्लेस। तो जब वो जगह बदलेगा, जब उसकी मूवमेंट होगी, तब हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो मोशन में है। देन बाद में, सो द मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें डेफिनेशन देखनी है मोशन की, कि व्हाट इज मीन बाय मोशन। इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ सराउंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी इन अ मोशन। तो देखो यहाँ पे मोशन की डेफिनेशन, कि अगर ऑब्जेक्ट की जगह चेंज होती है सराउंड के साथ में, तो हम उसको कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर ऑब्जेक्ट की जगह ही नहीं चेंज हो रही है, वो एक ही जगह पे है समझो, तो हम उसको मोशन में ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं। ओके, मीन्स इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी भी चीज़ की जगह बदलेगी, वो उसकी मूवमेंट होगी, तभी हम बोल सकते हैं कि वो मोशन में है। ओके, अदरवाइज इट इज सेड टू बी एट अ रेस्ट। देखो यहाँ पे लिखा है कि अदरवाइज इट इज सेड टू बी एट अ रेस्ट, यानी जब भी वो अपनी जगह बदलेगा, जब भी उसकी मूवमेंट होगी, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स के साथ में, तभी हम बोल सकते हैं कि वो मोशन में है। अदरवाइज अगर वो एक ही जगह पे है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इट इज एट द पोजिशन ऑफ अ रेस्ट। ओके, तो यहाँ तक कि आपको समझा। देन हम देखते हैं अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस यानी क्या? ओके, तो यही हमें ढूंढना है कि व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द डिस्टेंस। तो बहुत से स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज डिस्टेंस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है, तो यही कन्फ्यूज़न हमें दूर करना है। और इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमें ये जो बाजू वाली डायग्राम है उसे कंसिडर करना है। देखो ये डायग्राम, तो पहले तो कंसीडर करेंगे हम ए वाली डायग्राम। तो इसमें देखो आप, ये इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है? एक शेप दिख रहा है, ठीक है, और इस शेप में हमें दो पॉइंट दिख रहे हैं, ए और बी। समझो ये एक जगह है, एक जगह का नक्शा है, और इस जगह पे ये जो दो पॉइंट है ए एंड बी। तो हमें क्या करना है? पहले तो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो निकालना है अलग अलग तरीके से। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि अगर ए से बी का डिस्टेंस, ठीक है, कितना है वो अगर हमें गिनना है, तो हम क्या करेंगे? ए से यहाँ से जाएंगे, इधर से फिर जाएंगे बी तक के, यानी ये जो क्या बोलेंगे, ये जो पाथ है वो हम काउंट करेंगे, कितना है कि नहीं, कितना मीटर है, कितना किलोमीटर है, वो हम काउंट करेंगे। यानी एक्चुअल हम क्या करेंगे? ए से बी तक के ट्रैवलिंग करेंगे, है ना, क्योंकि हमें जाना ही पड़ेगा ए से बी तक के, कि उसका डिस्टेंस जो है, उसका पाथ कितना है, वो अगर हमें काउंट करना है तो हमें ए से बी तक के तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो समझो ये हमें मिला नियर अबाउट 6 किलोमीटर, ओके, क्योंकि हमने पहले ही कंसीडर किया था कि समझो कि ये एक जगह है समझो, और यहाँ से अगर हमने काउंट किया ए से बी का जो डिस्टेंस, वो हमें कितना मिला समझो? 6 किलोमीटर। देन हम दूसरे मेथड से ए से बी का जो डिस्टेंस है वो काउंट करेंगे, यानी निचले वाली मेथड से, ठीक है। अभी ये जो हमें डायरेक्शन दिख रही है, यहाँ से हम इसको काउंट करते हैं, तो समझो ये जो डिस्टेंस है ए से बी तक का, वो हमें मिलता है 8 किलोमीटर। ओके, कितना मिला हमें? 8 किलोमीटर। तो अभी कौन सा पाथ यानी ज़्यादा है, कौन से पाथ को ट्रैवल करने के लिए हमें टाइम लगेगा? इस पाथ को, यानी ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और ये जो डिस्टेंस है वो कम है। लेकिन अगर मैंने आपको कहा कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो, ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, तो ये डिस्टेंस अभी आप काउंट करो, तो वो हमें कितना मिलेगा? ये जो डिस्टेंस है वो समझो हमें मिला बहुत ही कम, यानी 4 किलोमीटर। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है वो हमें कितना मिला? 4 किलोमीटर। ओके, तो यही पे
इसी डायग्राम के साथ में हमें पता चलता है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस क्या है कि द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो एक्चुअल पाथ यानी क्या, जैसे हमने ए से बी तक का ये जो पाथ है वो हमने ट्रेवल किया है ना, तो ये जो एक्चुअल पाथ हमने ट्रेवल किया इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। ये जो एक्चुअल पाथ है जो हमने ट्रेवल किया ए से बी तक के, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। बट लेकिन अभी जो मिनिमम डिस्टेंस है जो हमने ट्रेवल किया ए से बी तक के, ओके, सो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। अभी आपको समझ आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो ये तो जो डिस्टेंस है वो हमें कितना मिला था, सपोज यहाँ ये हमें मिला था 8 किलोमीटर, ओके, और ये जो डिस्टेंस है वो हमें कितना मिला था, 6 किलोमीटर। लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो हमें कम मिला था, यानी कितना मिला था, 4 किलोमीटर। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको इसकी डेफिनेशन ध्यान में आ गई। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच का, उसको हमने कहा डिस्प्लेसमेंट, ओके। एंड जो एक्चुअल पाथ हमने ट्रेवल किया ए से बी तक के, ओके, ये तो एक्चुअल पाथ था। सो द एक्चुअल पाथ ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस। तो जो पाथ हमने ट्रेवल किया एक्चुअल में, इसे हमने क्या कहा है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट मीन्स मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है बी तक के पहुँचना। फिर हमें कहाँ से जाना है वो अगर हम डिसाइड करते हैं, यानी हम मिनिमम डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो ये तो हो गया हमारा पहला एग्जांपल। देन हम बाद में देखते हैं हमारा सेकंड एग्जांपल, ओके। तो सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है, नाउ मेजर द डिस्टेंस तो सेकंड एग्जांपल में हमें दिया है थिंक अबाउट इट, कि ये जो सेकंड एग्जांपल है वो हम डायग्राम से ही देख लेते हैं, डायग्राम से ही थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सी द नाउ नेक्स्ट डायग्राम। तो ये तो है शीतल एंड प्रशांत हाउस, ओके, ये वाला। देन ये है संगीता हाउस, देन ये है स्कूल। तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो शीतल है वो पहले कहाँ पे जाती है, संगीता के घर में जाती है। तो शीतल जब संगीता के घर में जाती है तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 500 मीटर, यानी ये जो पाथ है वो कितना है, 500 मीटर। देन संगीता के घर से जो स्कूल का पाथ है वो कितना है, यहाँ पे देखो 1200 मीटर, देखो यहाँ पे, तो ये जो पाथ है वो कितना है, 1200 मीटर। कहाँ से कहाँ तक, संगीता के घर से स्कूल का जो पाथ है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1200 मीटर, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने कि ये जो शीतल है, तो शीतल पहले किसके घर में जाती है, संगीता के घर में जाती है। तो जब ये शीतल संगीता के घर में जाती है तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 500 मीटर। कितना, 500, देखो यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 500 मीटर। देन फिर ये दोनों मिलके, यानी शीतल और संगीता मिलके फिर कहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। तो अभी कितना डिस्टेंस कवर किया दोनों ने, 1200 मीटर, ओके। तो यहाँ पे तो शीतल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्चुअली 500 + 1200 यानी 1700। तो एक्चुअली शीतल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1700 मीटर डिस्टेंस शीतल ने ट्रैवल किया, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको समझ रहा है अच्छे से। तो ये जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस ये कितना है, 17,000 मीटर। बट अगर शीतल संगीता के घर में जाने के बजाय अगर डायरेक्ट वो स्कूल जाती है, तो शीतल के घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो कितना है, देखो 1300 मीटर, कितना है, 1300 मीटर। तो अभी आप मुझे बताओ, ये जो डिस्टेंस है 1300 मीटर और जो ये टोटल डिस्टेंस है 1700 मीटर, तो कौन सा डिस्टेंस मिनिमम है, यानी कौन सा डिस्टेंस सबसे कम है, ये वाला, यानी 1300 मीटर का जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है। तो ये जो डिस्टेंस है मीन्स शीतल हाउस टू स्कूल,
इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बिकॉज दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट, क्योंकि शीतल को आखिरी में कहाँ जाना, स्कूल में ही जाना है ना। तो संगीता के घर जाने के बजाय अगर शीतल डायरेक्ट स्कूल में जाती है तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 1300 मीटर, ये हुआ शीतल का डिस्प्लेसमेंट। ओके, और शीतल ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, देखो 500 मीटर प्लस 1200 मीटर, यानी 1700 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। बट शीतल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, 1300 मीटर, बिकॉज दिस इज़ द मिनिमम डिस्टेंस। ये तो हो गया पूरा 1700, लेकिन ये कितना है, 1300 मीटर। तो इसलिए कौन सा डिस्टेंस कम है, ये वाला। तो एक्चुअल में शीतल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1300 मीटर। ओके, सो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस टोटल डिस्टेंस इज अ डिस्टेंस, यानी हम इसको बोलेंगे डिस्टेंस, जो कि 1700 मीटर है हमारा पूरा, और ये जो 1300 मीटर है वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो अभी आपको समझ में आया, तो शीतल ने जितना भी ये पार्ट ट्रैवल किया था ये है डिस्टेंस, और शीतल ने ये जो पार्ट ट्रैवल किया है जहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये आपको अभी समझ में आया अच्छे से। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।